ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट न्यू चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देख लो इस चैप्टर में क्या क्या है लर्न करने के लिए। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखेंगे, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में भी चार हैं, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एक्वा कल्चर एंड बी कीपिंग, दैट इज एपिकल्चर। तो ये आपका ओवरव्यू इस चैप्टर का। हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर से। ठीक है, अब नाम देखो लेसन का, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसका मतलब हमें अपने फूड रिसोर्सेज में क्या करना है, इम्प्रूव करना है। क्यों ज़रूरत पड़ी इम्प्रूव करने की? बिल्कुल, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और फूड डिमांड उसी हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन फूड प्रोडक्शन आपका उस लेवल से बढ़ नहीं रहा है ना। हाँ, पेस्ट से ज़्यादा बचाएंगे तो आपकी फसल भी ज़्यादा क्या होगी, यील्ड देगी, बिल्कुल ग्रो करेगी, है ना। तो इसीलिए हमें इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से फूड प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है और लैंड आपका कम होता जा रहा है, बल्कि एग्रीकल्चरल लैंड है ना, वो तो बल्कि कम होता जा रहा है, बढ़ थोड़ी रहा है। आप देखते हो हाईवे निकल रहा है, वेयर हाउस बन रहे हैं, है ना, कहीं पे डैम बन रहे हैं, फिर कहीं पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड पे, तो खाएंगे क्या? वेयर हाउस को थोड़ी खाएंगे जो उसके अंदर सामान है ना। फ्रिज थोड़ी खाएंगे, टीवी थोड़ी खाएंगे, एसी थोड़ी खाएंगे। जहाँ पहले खेती बाड़ी होती थी, क्रॉप्स उगते थे, वहाँ पर अब वेयर हाउस बन गए। चलो वो तो अच्छी बात है ना। तो इसीलिए हमें जितना हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें हम कैसे अपनी पैदावार को बढ़ाएं, यील्ड को इंक्रीज करें, क्वालिटी को इम्प्रूव करें, वही इस चैप्टर का मोटिव है। ठीक है, क्लियर। फूड सोर्सेस आपके दो होते हैं, एक एनिमल और एक प्लांट, दो ही होते हैं, या तो एनिमल से मिलेगा या प्लांट से मिलेगा, है ना। तभी तो दो पार्ट में डिवाइडेड है ये, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन में देखोगे कि फूड जो न्यूट्रिशन, हमें फूड क्या देता है, एनर्जी देता है ना, और ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप देखोगे कुछ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लांट से या फिर एनिमल्स। ठीक है, अब 1960 से पहले हमारा जो देश था वो बाहर से क्या करता था, इम्पोर्ट करवाता था, अमेरिका से वीट को इम्पोर्ट कराता था, क्योंकि वीट हमारे देश में ग्रो नहीं करता था, हमारे देश में तो ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब ग्रो करता था। ठीक है ना, तो राइस, वीट ये हमारे देश का नहीं है, खासकर वीट वो अमेरिका से हम इम्पोर्ट करते थे। फिर 1960s में ऐसा क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन हाई हो गया, अब हम दूसरे देशों को देने लग गए। तो ऐसा क्या चमत्कार हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, बताओ? नहीं, अभी इतनी मॉडर्न भी नहीं हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, वर्ल्ड के फादर, वर्ल्ड कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग।
नॉर्मन ई बॉरलॉग, ये थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के। और इंडिया के कौन थे फादर, बताओ नाम पता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने एक हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की मैक्सिको में, इन्होंने एक हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की, हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप किया, और एम एस स्वामीनाथन ने उस हाइब्रिड वैरायटी को लेकर इंडियन वैरायटी के साथ न्यू क्रॉस करके एक वैरायटी डेवलप की, और उसी से हरियाणा, पंजाब और यूपी में खूब पैदावार हुई, ठीक है ना। और ये तीनों स्टेट आपको पता है प्रोडक्शन ऑफ इन एग्रीकल्चर में नंबर वन पे आते हैं, है ना, तीनों के तीनों खासकर, इसीलिए तो खूब पैदावार हुई, हाइब्रिड सीड को यूज़ किया गया, और उसी को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अनाज के ऊपर निर्भरता हमारी कम हो गई दूसरे देश को लेकर, और हम इतना प्रोड्यूस करने लगे कि अब हम दूसरे देश को देने लगे इसी हाइब्रिड वैरायटी के वजह से। और इसमें हमने फर्टिलाइज़र भी खूब यूज़ किया, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, ये सब तो था ही था, इसका भी रोल है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था हाइब्रिड वैरायटी का, हाइब्रिड, ठीक है, क्लियर, हाइब्रिड वैरायटी यूज़ की गई और अभी भी यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? सीरियल्स प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? अनाज प्रोडक्शन। ऐसे ही आपका आता है वाइट रेवोल्यूशन, ये किसके लिए होता है? वाइट रेवोल्यूशन, ये मिल्क के लिए। और फादर कौन है? फादर वाइट रेवोल्यूशन, अमूल के पापा कौन है नहीं पता? अमूल दूध, अमूल तो दूध तो सुना है, वो ग्रुप ऑफ पीपल बनाया किसने था पता है आपको? वही तो पापा है, अरे फादर, फादर ऑफ अमूल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दूध बनाया नहीं, गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला कि हमें दूध दो, ठीक है, एक संस्था कोऑपरेटिव डेयरी स्टार्ट की, और वहीं से अमूल स्टार्ट हुआ गुजरात में, ठीक है। गांव वाले से दूध इकट्ठा करते हैं, बस उसको पैश्चराइज करते हैं, पैकेट बनाते हैं, बेचते हैं, गांव वालों को इनकम होगी, और वर्ल्ड में इंडिया में दूध ही दूध हो गया, आज नंबर वन है इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में, वर्गीस कुरियन के वजह से, इनकी सोच के वजह से, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन पल्सेस के लिए, ठीक है, पल्सेस। सिल्वर रेवोल्यूशन एग के लिए। अब वाइट तो यहाँ आ गया, तो उसको वाइट थोड़ी रख सकते थे, उसको सिल्वर बना दिया, सिल्वर एग के लिए। और एक लास्ट ब्लू रेवोल्यूशन मछली के लिए, है ना। तो ये चार पांच रेवोल्यूशन याद रखना है, नोट कर लो, वाइट हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, येलो हो गया आपका ऑयल सीड्स या पल्सेस, ठीक है, सिल्वर हो गया एग के लिए, और ब्लू फिश, ये पांच है आपको याद होने चाहिए, खासकर ग्रीन वाला तो, ठीक है, नोट कर लो इसको। वाइट रेवोल्यूशन एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, नोट कर लिया,
सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर क्या होती है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बताओ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है? हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ देखो जहाँ पर भी वर्ड, हाँ बिल्कुल, तो सस्टेनेबल वर्ड जहाँ पर भी आ जाएगा इसका मतलब होता है बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए, बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए डेवलपमेंट करना, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए बिना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना, ये मतलब है इसका। ठीक है, आया समझ में? हम है ना आए दिन सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी में कि एनवायरनमेंट नुकसान हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ डेवलपमेंट बोलेंगे। कहीं पर हम पेड़ काट रहे हैं हाईवे बनाने के लिए, कहीं पर हम पेड़ काट रहे हैं वेयर हाउस बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए जंगल को साफ कर देते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप पेड़ काटते हो तो कहीं पर लगाओ, है ना, उसको आप क्या करोगे, दूसरी जगह लगाओगे पेड़, ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। और आजकल तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉस है ना, नियम है कि आप कोई पेड़ नहीं काट सकते बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, इसीलिए क्योंकि पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है स्पेशली दिल्ली NCR में, तो इसीलिए यहाँ पर भी डेवलपमेंट तो कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर में, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या डेवलपमेंट। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। देखो फूड प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, फूड प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है, लेकिन विदाउट डिग्रेडिंग आवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के नहीं, ठीक है, एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनिंग इट, ना ही उसके बैलेंस को हमें डिस्टर्ब करना है, ना ही एनवायरनमेंट को हमें नुकसान पहुंचाना है, और फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज करना है, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। आ गया समझ में? तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है बिना एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए बिना, बिना एनवायरनमेंट के बैलेंसिंग को मेंटेन जो करता है उसको डिस्टर्ब किए बिना फूड को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू हो, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और ये एग्ज़ाम में आता है डेफिनेशन, डिफाइन या एक्सप्लेन, तो आपको यही बताना है, ठीक है, कि फूड का प्रोडक्शन करना है लेकिन बिना एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए बिना, बिना जो एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, उसको नुकसान किए बिना, थ्रू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना। अभी तो बताया प्लांट एंड एनिमल सोर्स से ही मिलते हैं हमें फूड मटेरियल, ठीक है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है MCQ में या 1 मार्क्स में, और एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, एक्सप्लेन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है, एंड एनिमल हस्बेंड्री। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये सब इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, क्या, कि खाली ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने से, स्टोरेज वेयर हाउस में ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने से माल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है, गोदाम भरने से, अनाज को गोदाम भरने से लोगों का पेट नहीं भरता, भर जाता है, नहीं भरेगा, अरे उनको अवेलेबल भी तो होना चाहिए, उनको मिलना भी तो चाहिए, सस्ते दाम में मिलना भी चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए, सबकी पहुंच में होना चाहिए, सबके है ना रीच में होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कुछ हैंडफुल पीपल के रीच में हो, सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकें, तो फिर ऐसे फूड प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा,
कि इंडिया तो नंबर वन है फूड प्रोडक्शन में, अरे भूखे मर रहे हैं, और भूख से कोई मर जाए आज के टाइम में, इससे बड़ी शर्म की बात उस कंट्री के लिए कुछ नहीं हो सकती। फिर काय का डेवलपमेंट, आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि इंडिया तो आने वाले 5-10 सालों में टॉप 5 इकोनॉमी में आ जाएगा, और यहाँ पर गांव में, किसी गांव में अगर कोई बच्चा मर गया भूख से, खाना नहीं मिला, तो शर्म की बात हो जाती है, वो हाईलाइटेड हो जाती है, वो न्यूज़पेपर में, टीवी में आ जाती है, वर्ल्ड में आ जाती है फिर वो, तो उससे देश का ही नाम ख़राब होता है। आगे ना बात समझ में, तो वही तो वो लिख रहा है कि वेयर हाउस में, स्टोर हाउस में फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने से या स्टोर करने से माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है, एंड हंगर भूख सॉल्व नहीं हो सकती, तो फिर कैसे होगी। आगे लिखा हुआ है पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड, लोगों के पास पैसा होना चाहिए, उनके पास खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, और वो कैसे आएगा, परचेजिंग पावर, मनी से, और मनी कैसा आएगा, जॉब से, और जॉब कैसे आएगी, जब आप जॉब को क्रिएट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इसीलिए तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, दैट इज़ ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट, आपके पहुंच में होना चाहिए, आपने रेट हाई कर दिया, अब टमाटर अगर आप 150 रुपये किलो कर दोगे तो क्या आम आदमी खरीद पाएगा, गरीब तो दूर की बात है, मिडिल वाले, क्लास वाले ही नहीं खरीद पाएगा, क्या फ़ायदा, करोड़पति 200 रख दो आराम से खरीद लेता, उसको क्या चाहिए, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दाम से, उसको 200 भी दे दोगे ना अगर आलू तो ले लेता है। प्रॉब्लम किसको आती है, पुअर एंड मिडिल क्लास वाले, फ़ायदा क्या है ना, अभी पूछ बताता हूँ, ठीक है, पूछना अभी क्वेश्चन, तो अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू इट, बाज़ार में जाते या आप राशन की दुकान पे जो राशन मिलता है जिनको, बीपीएल वालों को या नॉर्मल वालों को, राशन की दुकान पे क्या बोला, राशन ही ख़त्म हो गया, अवेलेबल ही नहीं है, क्या फ़ायदा फिर, नई नई स्कीम लॉन्च करके क्या फ़ायदा, सबको तो राशन मिल ही नहीं रहे, और पीछे से राशन कहाँ जा रहा है, दुकानों में, ब्लैक मार्केटिंग, 50 बोरी आई, 25 दुकान वाले को बेच दी, राशन ख़त्म, बोर्ड लगा दिया, ख़त्म हो गया, पता चला दुकान में चले गया, पैसे ज़्यादा मिलेंगे ना वहाँ पे, तो ऐसा होता है, ठीक है ना, तो वही तो बुक में बताया ये सारी चीज़ें, ये रियल में हो रहा है, करप्शन बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, आपको पता है इंडिया एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, एक कृषि प्रधान देश है हमारा, और मोर देन 60% जो जॉब आती है वो एग्रीकल्चर से आती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मतलब कोई भी एग्रीकल्चरल वर्क कर रहा हो, 60% से ज़्यादा जॉब वहीं से आती है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब उनकी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए, क्या फार्मर की इनकम नहीं बढ़नी चाहिए, जो एग्रीकल्चरल वर्क पर डिपेंड कर रहे हैं, क्या उनकी इनकम नहीं बढ़नी चाहिए, भाई उनको भी तो खाना चाहिए ना, ये थोड़ी कि वो खाना उगाते हैं तो उनको खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी तो खाना चाहिए, तो फिर उनकी भी तो परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए, इनकम सोर्स बढ़नी चाहिए, और अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाई भी है कुछ उनकी इनकम। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, कितने किसान हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, इसलिए नहीं कि उनको खाना नहीं मिला, इसलिए कि उनकी फसल ख़राब हो गई, बारिश नहीं हुई, या ज़्यादा बारिश होगी, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, और उन्होंने लोन लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है बैंक से या दूसरे कहीं और सोर्स से, वो प्रेशर बनाते हैं, वो उनके प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और सुसाइड कर लेते हैं, खासकर वो किसान जिन्होंने लोन लिया हुआ है, जो बहुत ही पुअर किसान होते हैं, लाखों का कर्जा चढ़ जाता है, और फसल उस सीज़न की ख़राब होगी, कैसे चुकाएंगे, जिसने पैसे दिए वो तो पैसे मांगने ज़रूर आएगा, वो तो अपने पैसे थोड़ी छोड़ेगा, फिर इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी भी इनकम बढ़ाए, और बढ़ाया भी है बीजेपी गवर्नमेंट जो इस बार है। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन, साइंटिफिक तरीके से हाइब्रिड यूज़ करके
अच्छे टूल्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, है ना, ये यूज़ करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म्स फॉर सस्टेन लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। अभी इंपॉर्टेंट है क्या क्या तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। देखो, नंबर वन, मिक्स्ड फार्मिंग करके, इंटरक्रॉपिंग करके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके, कंबाइन एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशेज एंड बी कीपिंग, ये भी कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो वो कह रहा है मिक्स्ड फार्मिंग करके, मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है आप एक ही खेत में गेहूं भी उगा रहे हो, सरसों भी उगा रहे हो, पढ़ेंगे डिटेल में, इसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक तरफ गेहूं उगाया, एक तरफ सरसों उगाई, एक तरफ मटर उगाई, मिक्स नहीं है, है तो एक ही खेत में, इंटरक्रॉपिंग, लाइन वाइज ऑर्डर में। मिक्सिंग में तो खिचड़ी है, वो तो कहीं पर कुछ भी उग रहा है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। इंटरक्रॉपिंग से भी नाइट्रोजन हम लेग्यूमिनस क्रॉप उगा के कर सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये सबसे फेमस है, ये सबसे अच्छा है और ये चल भी रहा है, खासकर जो मीडियम और अमीर किसान है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हैं, कैटल फार्मिंग भी कर रहे हैं, गाय भैंस भी पाल रहे हैं, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और मछली पालन भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ। कैसे पॉसिबल है ये, कैसे, देखो जगह तो है ही आपके पास, जब खेत है तो आधे में खेती बाड़ी, आधे से थोड़े हिस्से में गाय भैंस पाल ली, है ना, इसका वेस्ट उसका वेस्ट काम आ जाएगा, है ना, जो भी काउडंग होगा, गोबर होगा, वो खाद की तरह काम आएगा और जो प्लांट उगेगा वो उनके खाना उनके काम आएगा, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा पहली बात तो, ठीक है। मुर्गी पालन आप साथ साथ में कर रहे हो, मुर्गी के लिए खाना भी आप खेतों में उगा रहे हो, मुर्गी का वेस्ट भी मैन्योर की तरह काम आएगा, अंडा मिलेगा आपको, चिकन मिलेगा, है ना, दूध मिल रहा है वहाँ पे कैटल में। मधुमक्खी पालन, एपिकल्चर, बॉक्स रख दो मधुमक्खी के, एपेरी बोलते हैं जिसको, पढ़ेंगे डिटेल में, फूल आएंगे, मधुमक्खी बैठेगी, नेक्टर लेगी और शहद बनाएगी, शहद को बेचो, ऐसे करते, ठीक है, हो गया ना एपिकल्चर भी। और जब धान की खेती करते हैं, चावल की, धान की, तो जब पानी भरा रहता है खेतों में, वहाँ मछली पाल लेते, कम पानी वाली, सारी मछली नहीं उग सकती या कल्चर कर सकते, कम पानी वाली, तो मछली पालन भी हो जाता है। और ये रियल में हो रहा है, यूट्यूब पे सर्च कर लो इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस, दुनिया भर की वीडियो मिल जाएगी। और बच्चे मॉडल भी बनाते हैं साइंस एग्जीबिशन में इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल है। अब इसमें नुकसान क्या है, फ़ायदा ही फ़ायदा है एग्रीकल्चर से भी, कैटल से भी, पोल्ट्री से भी और बी कीपिंग से भी, देखो है ना, कुछ वेस्ट नहीं जाता, सब वहीं पे यूज़ हो जाता है, ये सब रिसाइकल हो जाता है, देखो है ना। तो ये कुछ तरीके हैं और इसकी ज़रूरत भी है हमें, हमें भी और किसान को भी, इसीलिए, ठीक है। अब आप पूछो, हाँ क्या डाउट, डाउट ख़त्म हो गया या डाउट ही चले गया, ठीक आप पूछो। सर, जैसे अलग-अलग कंपनीज के फूड, अलग-अलग, जैसे एक आदत का होगा, एक और एक अमूल का होगा, नहीं दोबारा बोलो, अलग अलग कंपनीज के दूध होते हैं, हाँ, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं है, नाम का डिफरेंस, तो जैसे और जो टोंड है, अच्छा वो तो टाइप्स ऑफ मिल्क है, टोंड, फुल क्रीम, टोंड, फैट कम कर दिया, हाँ। अब किसी को दूध पीना है लेकिन मोटा नहीं होना है, तो कौन सा मिल्क पिएगा, लेस फैट वाला, है ना, और किसी को अपनी डाइट बढ़ानी है ना, फैट को डेवलप करना है, तो वो डबल मिल्क फुल क्रीम वाला पिएगा,
उसका रेट भी तो हाई है, फैट को कम करते जाओ तो पैसे भी कम होते जाएंगे दूध के, उस हिसाब से। फिर से बोलो, आलमंड हाँ, इनमें तो फ्लेवर वाले होते हैं ना, ये तो इनमें तो ऐड करते हैं फ्लेवर, हाँ कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं, हाँ वो कह रहा हूँ मैं, कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं, कुछ टुकड़े डाल देते हैं आलमंड्स के, बस और कुछ नहीं। डिपेंड करता है ब्रांड कौन सा, क्योंकि सस्ते से महंगा सब तरह के फ्लेवर्ड मिल्क भी मिलते हैं आपको, इलायची मिल्क मिलता है ना, मतलब हर तरह के मिल्क, केसर वाला भी। तो कुछ कलर ऐड कर देते हैं कुछ, हाँ 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 उसमें होता है आलमंड, कुछ परसेंट फ्लेवर्ड होता है, कुछ आलमंड्स भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होगा, ये सारा इंट्रोडक्शन था ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, सबसे पहले सीरियल्स ठीक है। सीरियल्स मतलब अनाज, राइस, व्हीट, मेज है ना, आपके ज्वार बाजरा, मिलेट्स है ना, सॉर्गम, ये सारे आ जाते हैं इसमें ठीक है। तो सीरियल्स में व्हीट, राइस, मेज ठीक है, ज्वार बाजरा एट्सेट्रा, सब इसी में आ जाते हैं। ये सब अनाज है, अनाज के टाइप है ये तो, और आजकल तो मोटा अनाज काफ़ी फेमस हो रहा है, ज्वार बाजरा ठीक है ना, ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, वर्ल्ड में इसको प्रमोट कर रहे हैं ठीक है, इंडिया वाले अलग अलग फूड आइटम्स बना के ठीक है। अब सीरियल्स अगर आप खाओगे, जैसे व्हीट खाया आपने, मेज़ खाया, तो क्या मिलेगा खा के, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलेगा आपको, तो ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है ना, हाँ क्यों क्यों, डिपेंड करता है। देखो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, अभी देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, जल्दी एनर्जी मिलेगी आपको ठीक है। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, क्योंकि ये वर्ड सैकराइड से आया है जिसका मतलब शुगर होता है, ध्यान से सुनना। अब क्योंकि आप शुगर इंटेक करोगे तो फिर डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते, ये कारण हो सकता है जो मुझे लगता है इसीलिए। और डायबिटीज़ आजकल नॉर्मल है, पता है आपको, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। और डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन हो रही है, छोटे बच्चों को भी हो जाती है आजकल, तो किसी भी एज में डायबिटीज़ हो सकती है ना, तो इसीलिए। तो जितना आप कार्बोहाइड्रेट कम करोगे, मतलब शुगर इंटेक कम करोगे, तो इसीलिए डायबिटीज़ का खतरा भी कम रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, खाना है हाँ, क्योंकि एनर्जी देता है ना। नेचुरल खाओ, नेचुरल मतलब फ्रूट्स, नेचुरल शुगर, आर्टिफिशियल शुगर नहीं, चीनी नहीं, चीनी को तो सफ़ेद जहर कहते हैं, मीठा जहर कहते हैं चीनी को ठीक है ना, इसीलिए। और चीनी तो, चीनी की जगह पे तो गुड़ यूज़ करो, शक्कर यूज़ करो, खांड, शक्कर।